Thank you everyone for waiting and thank you for coming. Wow. Thank you. मैं ऐसे ऐसे कर रही थी क्योंकि मैं अपनी मॉम को देख रही थी और मैं अपनी बहन को देख रही थी एंड आई जस्ट मुझे हिंदी में बात करनी है ना. हाँ ओके. मैं चाहती थी कि मैं बस उन्हीं को देखूँ और मेरे फ्रेंड्स बैठे थे और मेरे मेरी मॉम, मेरी सिस्टर निगार, मेरी फ्रेंड्स जो बॉम्बे से आए थे, मैं उनको देख के इतनी खुश थी. एंड दैट्स जस्ट माई वे ऑफ टेलिंग देम के वी डिड इट, बिकॉज मैं अकेली नहीं थी. उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती. मैं सिर्फ एक बिलीफ रखा कि हाँ मैं जीत सकती हूँ एंड मैं सिर्फ दुआ करती थी और बोलती थी कम ऑन अल्लाह. आई वॉज जस्ट सेइंग कम ऑन, लाइक इतने रिपीट मोड पे मैं सिर्फ कम ऑन कह रही थी, बिकॉज दैट वॉज माई वे ऑफ जस्ट के इट्स पॉसिबल, ड्रीम्स इट्स पॉसिबल. यू थिंक अभी तक मुझे उस 50 लाख के बारे में सोचने का भी वक्त मिला है. मैं अभी बहुत सारे इंटरव्यूज देके आ रही हूँ एंड मैं अपनी बहन से तक नहीं मिल पाई हूँ, बेचारी वैन पे वेट कर रही है. तो जब मैं 2-3 दिन आराम से सो जाऊँगी फिर उठ के सोचूंगी कि क्या करना है. आई थिंक बहुत अपने आप में करेज और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है एक चीज़ कबूल करने के लिए. बहुत लोग होते हैं जो केमिस्ट्री शेयर करते हैं, वाइब्स नज़र आती हैं, लेकिन पता नहीं किस बात के डर से, मीडिया के स्पेकुलेशन के डर से या लोग क्या सोचेंगे उस डर से नहीं बोल पाते कि हम एक्चुअली क्या फ़ील करते हैं. आई थिंक शायद बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने मेरे और खुशहाल की तरह एक्सेप्ट किया जो हम फील करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहते थे, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे कि हाँ दिख रहा है भाई, दिख रहा है फीलिंग्स हैं लेकिन बोलना नहीं है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमने एक दूसरे को जाना और यहाँ से कहाँ जाएंगे अब वो तो यहाँ से तो मैं निकलूँ फिर. लेकिन नहीं यार, एक सेकेंड होल्ड ऑन, सब प्लान मत बनाओ मेरे लिए. मैं 3.5 महीना एक जगह रह के आई हूँ जहाँ पर मुझे अभी थोड़ा बहुत सोचना है अपने, आज सुबह दोपहर में दाल और चावल तो नहीं बनाने और यू नो व्हाट आई मीन. तो मैं अभी किचन से निकली हूँ, 3 वक्त का खाना मैंने बनाया है यार. तो मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, उसके बाद मैं सोचूंगी. और मिठाई आएगी तो इंशाल्लाह सब में बराबर बटेगी. हाँ, सिर्फ फ़र्क ये है कि वो अपने मुँह से कह नहीं पाए कि एग्जैक्टली क्या है. बट मैं घर में रह के आई हूँ और मैं ये कह सकती हूँ कि अरमान जी और तनीषा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं और कदर करते हैं एक दूसरे की. एंड मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी और वो एक साथ बहुत अच्छे हैं, टुगेदर दे एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम है. और मैं चाहूँगी कि उनका इंशाल्लाह फ्यूचर हो. आई थिंक मैंने अंदर भी यही, जब भी मैंने तनीषा का नॉमिनेशन दिया था मैंने हमेशा ऐसे ही बिगिन किया था कि एक वो बहुत अच्छी लड़की है लेकिन उनका मुझसे क्या प्रॉब्लम है मुझे वो समझ में नहीं आया. लेकिन मैं जानती हूँ कि वो एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की है, उनकी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है और ठीक है मुझसे नहीं बनी कोई इशू नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली एक अच्छी लड़की है एंड आई विश हर वेल. एंड अगर मैं बाहर उनको कहीं मिलूँगी तो मैं कॉर्डियली ही मिलूँगी. मैं एक बात बताऊँ, मैं घर के अंदर थी, मुझे पता है कि मैं, और उन्होंने कबूल भी किया है कि मैंने खान साहब को यूज़ किया आने के बाद. यूज़ गलत टर्म होगा शायद, उन्होंने मेरी दोस्ती बनाई ताकि वो अपना कैरेक्टर अच्छे से दिखा सकें, जैसे वो हर बार ऑडिशन देते थे कैमरे में देख देख के और कबूल भी करते थे कि मैं ऑडिशन दे रहा हूँ. तो एजाज खान एक अच्छे इंसान हैं और बहुत एंटरटेनिंग है और मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता था क्योंकि हर सैटरडे मेरा बिल फाड़ते थे और पूरा हफ्ते मेरे साथ अच्छे से रहते थे, तो ये मुझे समझ में नहीं आता था. बट ही इज़ अ गुड गाय एंड आई विश हिम वेल. काल के साथ क्या स्पेशल प्लान्स हैं? आई हैव नो आइडिया बिकॉज अभी तो मैं निकली हूँ. मेरी बहन मुझे वहाँ खड़े रह के बोल रही है मुझे भूख लग रही है, मुझे वो भी नहीं पता कि मैं उसको क्या ऑफर करूँ. तो न्यू ईयर्स के अभी लाइक आई सेड मैं यहाँ से निकलूंगी तो मैं सोचूंगी कि क्या करूँ. अभी तो फिलहाल आई हैव टू गो फॉर अ पार्टी एंड आई हैव नॉट गॉन येट. न्यू ईयर्स के लिए, नए साल के लिए हिंदुस्तान और दुनिया भर में जितने लोग ये देख रहे हैं उन सबको बहुत 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 मुबारकबाद एंड आई लव बिग बॉस.
और आई वांट तस्वीर आपके सामने, हां शायद मैं क्लिक कर लूं, हां राइट वे अच्छी है।